सदाकत अली अब्बासी साहब, आप ख्वाजा आसिफ साहब के इस बयान को क्या एतराफ समझते हैं, क्या आप ये समझ रहे हैं कि जैसे कि कंसर्न यहाँ पर शो किया कादिर मंदूखेल साहब ने, उन्होंने कहा भले हम हुकूमत का हिस्सा है लेकिन जहां आवाम की बात आएगी तो हम सवाल भी उठाएंगे तनकीद भी करेंगे, तो आप इसको कैसे देख रहे हैं और कोई ओनरशिप लेने को तैयार नजर नहीं आ रहा सारे फैसलों की? मरियम नवाज के बयान पर भी क्या तबसरा कीजिएगा आप? सदफ दो दिनों के बयानात और अभी जो आपने पिछले 5 मिनट डिस्कशन की है, इसमें तो मैं ये कह सकता हूँ कि किन जोकरों के हाथों में हमारा मुस्तकबिल चला गया। आप देखें कि शहबाज शरीफ वजीर आजम है और मरियम जो पीपल जो नून लीग की हेड है वो कहती है मेरी ये हुकूमत नहीं है। अच्छा, ख्वाजा आसिफ जो दिफा के वजीर हैं वो आप और मुझे मशवरा दे रहे हैं कि 1500-1500 कनाल के ये जो गोल्फ कोर्सेज हैं इनको भेज दें, हालांकि वो उस हुकूमत के एक अहम तरीन वजीर हैं। और इसी तरह अभी मेरे भाई मंदूखेल साहब आए हैं हुकूमत का दफा करने के लिए, वो मुझे और आपको मशवरे दे रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल को सस्ता करें। तो आप ये पाकिस्तानी कौम और ARY के नाजरीन देखें कि ये पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। यानी कोई मिफ्ता इस्माइल उठते हैं और वो कहते हैं जो है ना इसहाक डार जो है वो मुल्क को डुबो रहा है और पूरा यानी एक केओस मचा हुआ है। पाकिस्तान के रिजर्व $2.5 अरब रह गए और यानी 1.5 हफ्ते के रिजर्व रह गए, IMF का मुआहदा नहीं हो रहा, पाकिस्तान में कमर तोड़ महंगाई है, पाकिस्तान के इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो रही हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट गिर रही है, पाकिस्तान के रेमिटेंसेस गिर रहे हैं और ये एक मखौलिया सल्तनत बनी हुई है, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं एज इफ के पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का मुल्क, यानी उसका कोई इनको फिक्र ही नहीं है। ये 16-17 अरब डॉलर के रिजर्व हम छोड़ के गए थे, 6% ग्रोथ छोड़ के गए थे, 12% महंगाई छोड़ के गए थे, आज महंगाई जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है ये वाला मुआयदा आप भी तो करके गए थे ना IMF से। आपको आपको यानी मजाल है कि वो वजीर आजम रोज कैबिनेट बढ़ा रहे हैं और उनके यहाँ तर्जुमान आके उनको मशवरे दे रहे हैं और आप और मैं क्या कर सकते हैं भाई? हुकूमत का काम है डिलीवर करना, मीडिया का काम है तनकीद करना, मैं ऑपोजिशन हूं, मेरा काम है नुक्ताचीनी करना। यहां तो मंदूखेल साहब तनकीद कर रहे हैं, इसहाक अपना ख्वाजा आसिफ तनकीद कर रहे हैं, मरियम तनकीद कर रही हैं, तो हुकूमत में कौन है? हमारा मुस्तकबिल किधर जाएगा? ये मुल्क डूब रहा है। आपको मालूम है कौन कर रहा है हुकूमत? पीपल्स पार्टी कर रही है हुकूमत। देखे ना, मुझे बताएं, पार्लियामेंट है, इस मजाक बनाया हुआ है पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट में कोई ऑपोजिशन ही नहीं है, लोटे पकड़ के बैठाए हुए, कोई इखलाकी जवाज है इस मुल्क में पार्लियामेंट में कानून साजी का? और इलेक्शन करवा नहीं रहे, 2 सूबाई असेंबली टूटी हुई है, उनका टेन्योर खत्म हो रहा है, आईन टूट रहा है, इलेक्शन कमीशन बहुत मजाक सदाकत अली अब्बासी साहब, एक बात मुझे बता दें सर, ऐसे हालात में इलेक्शन हो जाते हैं, आप लोगों को मिल जाती है अक्सरियत, आप आते हैं, बिल्कुल यही माशी हालात है, क्या प्लान है आपके पास? आप क्या करेंगे आगे? क्या आप ये वाला मुआयदा आगे नहीं बढ़ाएंगे? क्या आप पेट्रोल के प्राइस नहीं बढ़ाएंगे? क्या आप बिजली महंगी नहीं करेंगे? देखें, एक तो चीज है स्ट्रेटजी, एक चीज है संजीदगी। मैं तो आपको ये पॉइंट लगा रहा हूं कि जो इस वक्त जिन लोगों के पास हुकूमत है उनकी संजीदगी कोई नहीं है, कोई उनकी सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, कोई रब्त नहीं है, कोई आगे रोड मैप नहीं है, ऐसे हम बैठे हुए जैसे हमारी कश्ती आधी डूबी हुई और बाकी डूबने का इंतजार कर रहे हैं। और ये जो उस वक्त सरबरा है, किसी ने लंदन भाग जाना है, किसी ने सरे महल भाग जाना है। अब इसका रोड मैप क्या है? सदफ जब इलेक्शन हो गए, जब कोई गवर्नमेंट 5 सालों के लिए आएगी, एकदम से उस गवर्नमेंट पे जिम्मेदारी आ जाएगी, वो आवाम के जो मुश्किल फैसले हैं वो करके आगे लेके जाएगी। अगर पेट्रोल डीजल महंगा करना ही था तो क्यों नहीं अक्टूबर नवंबर में किया? अगर डॉलर नीचे लाना था तो क्यों इसहाक डार साहब भड़के मारे थे कि मैं आगे हूं तो डॉलर नीचे आ जाएगा? आज पूछे ना इसहाक डार से, कौन पूछे? पार्लियामेंट में तो है कोई नहीं, 4 लोटे पकड़ के बैठाए हुए और 4 पूछेंगे ना, वो हमें कह रहे हैं, मुल्क का मजाक बना रहे हैं। जब तक मुल्क में इलेक्शन नहीं होगा पाकिस्तान कहीं नहीं जा रहा और ये तो चोर उचक्के बाहर भाग जाएंगे। इनका यहाँ है क्या? डॉलर महंगा हो रहा है, उनका फायदा है, नवाज शरीफ के एहसास बढ़ रहे हैं, जरदारी साहब के एहसास बढ़ रहे हैं, इनको क्या फिक्र है? और ये मजाक कर रहे हैं बैठ के। ख्वाजा आसिफ का बयान, मैं कहता हूँ वजीर का बयान गद्दारी के मुर्तकब वो होते हैं, उसमें कोई किसी को कोई कान पे जूं नहीं देंगी। हाँ, मैं सर ये गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटना बंद करें पहले पहले पहले। हाँ चले आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, अगर मुल्क का एक कैबिनेट मेंबर कह दे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया, आप इसको क्या समझेंगे? क्या उस मुल्क में जो एक आम प्राइवेट बिजनेसमैन है उसको क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो मैं तो ये कह रहा हूं कि इस वो चीज तो को इसका जवाब देना चाहिए ना,
मुझे बताएं, आप लोग जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं, जेल भरो तहरीक शुरू कर रहे हैं सर, क्या प्लान है, क्यों आपको, क्यों आपको, हाँ तो ये आप मुझे बताएं, आप लोग क्यों पुलिस गिरफ्तार करेगी, वैसे ओवर क्राउडेड हमारे जेल हैं, आप क्या करेंगे, किस तरीके से गिरफ्तारियां देंगे, गिरफ्तारी होने के लिए तो कोई कानून तोड़ना पड़ेगा ना सदाकत अली अब्बास साहब, इस पुलिस में मुझे आप बताएं आदम स्वाति ने कौन सा कानून तोड़ा, फवाद चौधरी ने क्या जुल्म कर दिया हमारे मुआशरे के साथ, शेख रशीद ने क्या कर दिया, मैं मेरे पे 6 पर्चे, मैंने क्या कर दिया, इमरान खान पे 62 मुकदमे, इमरान खान ने कोई बैंक लूटा, इमरान खान ने कोई मकसूद चपरासी वाली चोरी किया, तो बात यह है मेरे पास क्या ऑप्शन है, मेरा मुल्क डूब रहा है और डूब उनके हाथों रहा है जिनका सासे सारे मुल्क से बाहर है, तो मैं दो तरीके कर सकते हैं, एक तो मैं सड़क पे आ जाऊं, अब मैंने मरी जिला बनवाया था ताकि हमारे टूरिस्ट का तहफ हो, इन्होंने वो भी खत्म कर दिया केयर टेकर गवर्नमेंट ने, हम क्या करें अगर आप सड़कों पे आ जाते हैं, मुल्क गिरफ्तारी ना होने की सूरत में तो धरना देंगे, क्या करेंगे, हम उधर ही बैठ जाएंगे, हम धरना दे देंगे, लेकिन हम तो चाहते हैं अगर गिरफ्तार करना है तो पूरे मुल्क को गिरफ्तार करो, जेल जाएंगे तो क्लियर कर दो, खाना पीना मिल जाएगा, खुद बैठेंगे तो सारे इंतजाम तो आपको खुद ही करने पड़ेंगे ना सदाकत अली अब्बास साहब, वो कहाँ से आप इंतजाम करेंगे, सियासी जमहूरी तौर पे सदफ प्रोटेस्ट करना मेरा आईनी हक है, मैं इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई नहीं कर सकता क्योंकि मेरा मुल्क इन गैर संजीदा लोगों के हाथों डूब रहा है, मैं अगर सड़कों पर निकलूंगा, लोग इस वक्त बिजली के बिलों से और गैस के बिलों से और महंगाई से तंग है, खुदा ना खास्ता श्रीलंका वाली सूरत हाल है, तो मैं तो अपने आप को जेल में बंद कर रहा हूँ, क्यों बंद कर रहा हूँ, इसलिए कि मुल्क का कोई मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा, खुदा रहा आपका पॉइंट, इसको संजीदा लें और इन चोरों से जान छुड़ाएं, मुल्क को इलेक्शन लेके जाएं, इलेक्शन कादर मंदू खेल साहब से जवाब लूंगी।